अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स है क्या? तो इकोनॉमिक्स कुछ भी नहीं है, ये सोशल साइंस की एक ब्रांच है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं किसी चीज़ को किस तरह से बनाया जाता है, किसी चीज़ को किस तरह से सोसाइटी के अंदर जाकर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किसी चीज़ को लोग किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, इस इन सारी के सारे प्रोसेस के बारे में स्टडी का नाम जो है वो है इकोनॉमिक्स। सोशल साइंस की ये एक ब्रांच है। अब ये सोशल साइंस क्या है? सोशल साइंस हमारी सोसाइटी के बारे में स्टडी का नाम है। तो इकोनॉमिक्स सोशल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि कोई प्रोडक्ट किस तरह से प्रोड्यूस होती है, किस तरह से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होती है और किस तरह से लोग इसको यूज़ करते हैं। दैट इज़ एन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में फोकस किया जाता है बिहेवियर और इंट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एजेंट के बारे में भी। जो इकोनॉमिक्स के एजेंट्स हैं, मतलब जो लोग हैं जो प्रोडक्ट्स को आगे सेल करते हैं, बेचते हैं, और लोगों के साथ उनका बिहेवियर कैसा है, कस्टमर किस तरह के है, किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चीज़ों को, दैट इज़ कॉल्ड एन इकोनॉमिक्स। मतलब अगर हम देखें एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, हम क्या चेक करते हैं? हम चेक करते हैं कि क्या उस कंपनी के अंदर कोई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऐसी हैं जो बहुत बेहतर हैं और वो प्रोडक्ट और सर्विसेज कंट्री को फ़ायदा दे रही हों। अगर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेहतर हैं, बेहतर जगह पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं, बेहतर जगह पे यूज़ हो रही हैं, तो इसका मतलब कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अगर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेहतर नहीं है, क्वालिटीज़ बेहतर नहीं है, तो इसका मतलब कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगी। हम ये देख रहे होते हैं कि जो कंट्री का फंड आया है, पैसा जितना भी आता है, टैक्स जो पे करते हैं लोग, वो कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर लोग खर्च कर रहे हैं, हमारी हुकूमत कहाँ पर खर्च कर रही है। इकोनॉमिक कंडीशन जो है ये क्यों डाउन होती जा रही है, वो इसलिए कि जो कंजम्पशन है वो बेहतर नहीं हो रही है। जब कंजम्पशन बेहतर होना शुरू हो गई तो समझ लो कि इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो इकोनॉमिक्स क्या है? प्रोडक्ट्स के बारे में किस तरह से वो बनती हैं, किस तरह से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और किस तरह लोग उसको यूज़ करते हैं, इसके बारे में स्टडी का नाम। तो चलिए इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, इकोनॉमिक्स इज़ द सोशल साइंस, ये एक सोशल साइंस की ब्रांच है दैट स्टडीज़ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो कुछ भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चीज़ें बनाते हैं, उनके बारे में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन के बारे में स्टडी का नाम जो है वो इकोनॉमिक्स है। नंबर 2, इकोनॉमिक्स फोकस ऑन द बिहेवियर एंड इंट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एजेंट एंड हाउ इकोनॉमिक्स वर्क। इकोनॉमिक्स का मेन फोकस जो है इकोनॉमिक्स एजेंट पर होता है, उनके बिहेवियर पर होता है, उनके इंट्रैक्शन पर होता है, और किस तरह से इकोनॉमिक्स वर्क करती है उसके बारे में फोकस किया जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की इकोनॉमिक्स के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।